भारत देश में व्रत तीज त्यौहार को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका कारण यह है कि व्रत तीज त्यौहार की प्रथा रामायण व महाभारत काल से ही चली आ रही है। ऐसा ही व्रत 1 नवंबर 2023 को भारत देश में महिलाओं द्वारा किया जाएगा, जिसका नाम है करवा चौथ का व्रत। यह व्रत भी रामायण काल से ही महिलाओं द्वारा किया जाता रहा है, जो कि अभी तक जारी है। इस व्रत में महिलाएं शिव परिवार में चंद्रमा की पूजा करती हैं और पूरे दिन उपवास रखती हैं। इसके लिए अलवर का बाजार भी सज चुका है। व्रत है करवा चौथ का व्रत, जो हमारी महिलाएं पति के अभ्युदय के लिए, पति के विजय के लिए और आपसी प्रेम के लिए इस कथा को सुनती हैं और व्रत करती हैं। पुराणों में एक कथा आई है, एक बार देवताओं में और दानवों में युद्ध हो रहा था। दैत्य लोग विजयी होने लगे, देवता लोग हारने लगे, तो देवताओं की पत्नियों ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु हमारे पति देवता लोग किस प्रकार विजयी हों इसके लिए कोई उपाय हमें बताइए। तब भगवान ब्रह्मा ने उन देवताओं की पत्नियों के लिए करवा चौथ का व्रत, जो कार्तिक में होता है चतुर्थी को, वह बताया। सभी स्त्रियों ने मिलकर के करवा चौथ का व्रत किया और देवता लोग विजयी हो गए। तब से ये पतियों के विजय, अभ्युदय और कल्याण के लिए व्रत किया जाता है। मैं भगवान शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय शिव परिवार के साथ चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। चंद्रमा भगवान शिव के ललाट पर स्थिर होने के कारण वह भी वंदनीय हो गए, तो चंद्रमा का पूजन और दर्शन किया जाता है। चंद्रमा के उदय तक व्रत किया जाता है, फिर चंद्रमा का पूजन करके पति के हाथ से जल पीकर महिलाएं अपना व्रत तोड़ती हैं। इसका करना बहुत आवश्यक है। यदि कोई स्त्री नहीं करती तो उसके पति की विजय, उसके कल्याण और आपसी प्रेम में बाधा होती है।